जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं विस्थापन संबंधी कार्य लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री की ओर से नियुक्त विशेष प्रतिनिधि व बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने आज प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक केटल, हीटर आदि वितरित किए। उन्होंने बताया कि पुनर्वास व विस्थापन के मामले में विभिन्न विकल्पों पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है ये इसी क्रम में था कि जो हम वहाँ पर लगातार यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ हैं, जिस प्रकार की कोई समस्याएँ आपदा प्रभावितों की, उनको निरंतर उनका अनुश्रवण करें, उनका पर्यवेक्षण करें। तो इस क्रम में आज मैं यहाँ पर भ्रमण भी कर रहा हूँ और अभी यहाँ पर लगातार कुछ दिन यहाँ पर प्रवास भी करूँगा और जो आपदा प्रभावितों की समस्याएँ हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो सबसे जो बड़ी चुनौती हमारे समक्ष है वो राहत और ये पुनर्वास और विस्थापन की है। उसके बारे में आम जो सहमति है उसको बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस बीच जोशीमठ नगर क्षेत्र में चिन्हित किए गए क्षतिग्रस्त भवनों, दुकानों और होटलों को तोड़ने का काम तेज हो गया है। जेपी कंपनी परिसर में हो रही पानी के डिस्चार्ज में भी कमी आई है। यह 540 LPM से घटकर अब 132 LPM हो गया है।